जय माता दी। जैसे कि सब जानते हैं, नवरात्रि आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस साल 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। आपको बता दें, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। इसी दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है और 9 दिन का व्रत रखा जाता है। आपको बता दें कि इस बार की नवरात्रि बहुत ही खास दिन से आरंभ हो रही है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इस बार नवरात्रि पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं, साथ ही किस दिन किसकी पूजा की जाएगी। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है और देवी माँ के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि पर्व का इंतजार रहता है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर को हो रही है, उस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। दुर्लभ संयोग ये है कि शारदीय नवरात्र शुक्ल और ब्रह्म योग से शुरू हो रही है, जिसे ज्योतिष और शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इस बार नवरात्रि की खास बात यह भी है कि देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर ही प्रस्थान करेंगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शास्त्रों के अनुसार यदि रविवार और सोमवार को नवरात्रि का शुभारंभ हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने साथ खुशहाली का पैगाम लेकर आती हैं। इस बार 26 सितंबर को देवी माँ हाथी पर आएंगी और विजयदशमी के दिन 5 अक्टूबर को हाथी पर ही वापस लौटेंगी। 25 सितंबर को सुबह से लेकर 26 सितंबर सुबह 8 बजे तक शुक्ल योग और 26 सितंबर से 27 सितंबर तक ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। इस योग में प्रतिपदा तिथि पर घट या कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो 26 सितंबर सोमवार को प्रातः 6:20 से प्रातः 10:19 तक रहने वाला है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शारदीय नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि माता की पूजा अर्चना की जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को शारदीय नवरात्रि के कैलेंडर के बारे में ये बताना चाहूंगा कि नवरात्रि के पहले दिन 26 सितंबर को माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन 28 सितंबर को माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन 29 सितंबर को माँ कूष्मांडा, पांचवें दिन 30 सितंबर को माँ स्कंद माता, छठे दिन 1 अक्टूबर को माँ कालरात्रि, आठवें दिन 3 अक्टूबर को माँ महागौरी और नौवें दिन 4 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नवरात्रि पूजा विधि के बारे में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, माँ दुर्गा का शुद्ध जल से अभिषेक करें, देवी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, फिर आरती करें। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि 26 सितंबर को बड़े शुभ योग में शारदीय नवरात्र का आरंभ हो रहा है। मैं गुरमीत देव। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।